चंदौली के दीनदयाल नगर में मिठाई विक्रेता की दबंगई। पुलिस चौकी कूड़ा बाजार के सामने कार में की तोड़फोड़ और पुलिस वालों के साथ नोकझोंक, सीसीटीवी में कैद। बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेत कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सांसद रिजवान जाहिर के दामाद की संपत्ति पर प्रशासन ने किया जब्त और प्रशासन ने 4,75,86,000 रुपए की जमीन को किया जब्त। अमेठी में बैंक मैनेजर के हाथों से 1,00,000 रुपए का अज्ञात व्यक्ति लेकर हुआ फरार। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीओ पहुंचे। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान जा रही। कन्नौज में जिला अस्पताल के आवासीय कैंपस में चोरी और लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। लगातार हो रही चोरी से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश काना और पुरोहित चौधरी पुलिस की फायरिंग में हुआ घायल। मथुरा में कार सवार चोरों ने दो अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दो कारों को बनाया निशाना। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कौशाम्बी में इनकम टैक्स अधिकारी और पूर्व प्रधान पर लाखों की चोरी। दोनों के घरों से करीब 55,00,000 के जेवर और 15,000 की नकदी हुई साफ। छत के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने वारदात को ध्यान दिया। मथुरा की छाता तहसील के लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। दाखिल खारिज करने के मामले में पर लाखों की रिश्वत और पीड़ित किसान ने उच्च अधिकारियों से की थी शिकायत। बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या। प्रेमिका के परिजनों पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप। डिबाई इलाके के दौराऊ गांव की वारदात। मेरठ में सतीश मावी की अवैध कॉलोनी पर चला मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। साथ ही ऑफिस भी ढहाया गया और हंगामे के भी चलता रहा एमडीए का अभियान। नोएडा पहुंची महिला सशक्तिकरण रैली का हुआ जोरदार स्वागत। महिला पुलिसकर्मी 1090 के लिए कर रही है महिलाओं को जागरूक। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी रैली में मौजूद। महिला पुलिसकर्मियों का हाल जाने पहुंचे। गाजीबाद के साहिबाबाद थाने इलाके के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 अपार्टमेंट में बनी दो दुकानों में लगी आग। ऊपर के माले तक पहुंची आग के लपटे फ्लैट तक पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर के बर्रा में विश्व बैंक कॉलोनी में खाली प्लॉट में जमा कबाड़ के में लगी आग से हड़कंप और दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। हमीरपुर में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से खेत में लगी आग। खेत में पड़ी 2 बीघा फसल जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने के आने तक पूरी फसल आग की चपेट में आ गई। जनपद हापुड़ के मेवाती यार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से अवैध प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। पुलिस समेत 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। लखीमपुर खीरी में एक स्कूल वैन में लगी भीषण आग और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से मचा हड़कंप। गाड़ी में बैठे लोग बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। स्वार और 96 सीट पर 10 मई को होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 मई को होंगे सभी 224 सीटों पर चुनाव और 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का दावा। चुनाव में पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, कर्नाटक के लोग सरकार बदलने के लिए बेताब। कर्नाटक में कांग्रेस ने करप्शन पर बीजेपी को घेरा। खड़गे बोले, कर्नाटक में 40% की सरकार है। खड़गे के पलटवार पर भड़की बीजेपी। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कर्नाटक में बीजेपी की होगी बड़ी जीत। कुशीनगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 451 करोड़ की योजनाओं की सौगात। नवनिर्मित तहसील का क्या लोकार्पण। बोले, बिना भेदभाव के हो रहा विकास। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुबह जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी और जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 700 फरियादी आए। गृहमंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को यूपी का करेंगे दौरा। कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। सांसद खेल स्पर्धा के समापन और दलित सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया अनोखा समर्थन और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने अपने घर के बाहर लगाया बोर्ड और बोर्ड पर लिखा, मेरा घर राहुल गांधी का घर। मथुरा में ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई नई नीलगाय और ट्रेन की चपेट में आने से नीलगाय की मौत और हादसे के बाद आधे घंटे तक खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस। रामनगर में G20 समिट में पहुंचे विदेशी मेहमान। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि। उत्तराखंड पहुंचने पर पहाड़ी अंदाज में हुआ स्वागत। चारधाम यात्रा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। स्थानीय लोगों को नहीं
पड़ेगी पंजीकरण करने की जरूरत और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को दिए निर्देश। हल्द्वानी में दृष्टिबाधित बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दृष्टिबाधित कन्याओं का किया पूजन, कहा हल्द्वानी शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में करेंगे विकसित। उत्तराखंड में एक जनपद से दूसरे जनपद में दवाई सप्लाई कर रहे ड्रोन का प्रशिक्षण हुआ सफल और सरकार ड्रोन से दवाई सप्लाई करने के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाने की कर रही है तैयारी। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रदीप टम्टा ने G20 को लेकर भाजपा पर सादा निशाना, कहा तिरंगे को हटाकर भाजपा ने लगाया अपना झंडा, भाजपा सरकार चला रही है एजेंडा। केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी शुरू, बर्फबारी के कारण रास्ते में गिरी बर्फ को हटाने में हो रही है परेशानी, बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर बनाया जा रहा है रास्ता, यात्रा की तैयारियां में भी आ रही है अड़चने। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार के सिद्धपीठ दुर्गा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, नौ दुर्गा के प्रतीक नौ कन्याओं को भोजन कराकर लिया आशीर्वाद, कहा मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति। देहरादून में चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सीएम को धन्यवाद दिया और सीएम ने हाई लेवल मीटिंग कर स्थानीय लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म करने का निर्णय लिया। रुड़की पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, मंत्री ने कहा कि अप्रैल में सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर फिर से मॉकड्रिल की जाएगी, जल्द ही गाइडलाइन भी जारी होगी। पिथौरागढ़ में पहली बार महिलाएं सौर ऊर्जा से बिजली उत्पाद करेगी और इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और समूह में जुड़ी हैं 20 से 25 महिलाएं। जोशीमठ के मोल्टा गांव में आजादी के बाद पहली बार बौछी बस, ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी, अभी ट्रायल के तौर पर चल रही है बस। पिथौरागढ़ में मार्च के महीने में मौसम लगातार बदल रहा है करवट और मौसम में बदलाव के तापमान में आ रही है गिरावट, मार्च महीने में हो रही है सर्दी का एहसास। गाजियाबाद के कई क्षेत्र में पानी का स्तर 350 के पार पहुंचा, पानी का स्तर गिरने से लोग बोतल का पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं, मोटर पंप लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लखनऊ कानपुर रेल रूट पर रेल संचालन बाधित, मेमो ट्रेन गुजरने के बाद ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक और कानपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेनों को रोका गया। डावों में इबारत घर में बनाई जा रही पानी की टंकी का लोगों ने किया विरोध, जिलाधिकारी के सामने रखी मांग, लोगों ने कहा टंकी बनाने से शादी समारोह कार्यक्रम में होगी दिक्कत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ARS हॉल के कमरे में छात्र ने लहराया हथियार और मौके से हथियार बरामद, छात्र फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अमृतपाल को लेकर सिद्धार्थनगर की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के लगाए गए पोस्टर, हर आने जाने वाले की हो रही है सघन चेकिंग। हमीरपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का किया निरीक्षण और आयुष्मान कार्ड काउंटर का भी लिया जायजा, कहा केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का धरातल पर लाना मकसद। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर दो दिवसीय मिलेट मेले की शुरुआत, मेले में किया गया मुशायरे का आयोजन, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मुशायरे में सुनाई शायरी। गाजियाबाद के शिकारी खुर्द देवी की महामाया मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, भीड़ के दौरान महिलाएं और युवतियां बेहोश, दम घुटने से मंदिर परिसर में एक शख्स की मौत। वाराणसी के महाशिमशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच किया नृत्य, बाबा मसाननाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर अगले जन्म में नगर वधु बनना बनने के लिए वरदान की मांग। यूपी में NTPC ने पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट तालाब के पानी के ऊपर बनाकर कीर्तिमान किया स्थापित, और इससे पहले केरल और आंध्र प्रदेश में था प्लांट, यूपी में लगे प्लांट की क्षमता 40 वॉट। चंदौली में दुर्गा माता के मंदिर में लगा भक्तों का तांता, माता का कीर्तन भजन कर आरती में शामिल हुए भक्त। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।